हे गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल गुरुकुल। और देखिए, आज जो है क्वेश्चन कम ही लोगों ने एक ही आंसर क्वेश्चन दो क्वेश्चन दो या तीन क्वेश्चन ही आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है डिस्कस करने के लिए। दो नए क्वेश्चन दूंगा, लेकिन इसके बाद जो है, इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे जो है डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी जो एंशियंट हिस्ट्री जैसे ही हमारी खत्म होगी, ठीक है, छः लेक्चर्स में छः सात मैंने बना दिए हैं और मैं एक एक करके रोज़ जो है एक लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो जल्द ही हमारे 27 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तो इसके बाद आपको एंशियंट हिस्ट्री जो है आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ आपको जो है MCQs लगाने हैं इसके, ठीक है। MCQs ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बोलना था कि इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपको मैं श्रीराम IAS की, ठीक है, श्रीराम IAS की इकोनॉमिक्स का पूरा आपको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा दूं। बट वो आप अगर कमेंट करेंगे या बताएंगे कि आप इंटरेस्टेड है तो ही मैं वो काम करूंगा, क्योंकि देखिए उसमें भी 300 से 400 पेजेस हैं करीबन, ठीक है, और 400 पेजेस पढ़ाने में जो है काफ़ी टाइम जाएगा। तो टाइम जाएगा अगर मैं 10 दिन भी आपके लिए जो है वेस्ट करता हूँ, आप इंटरेस्टेड है तो ही मैं जो है फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री बना रहा हूँ तो आप जो है ज़्यादा कुछ लोग जो है काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपने पढ़ ली हो, लेकिन एक बार जो है ज़रूर देखिए, मैंने एक नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ, और साथ में ये भी बता रहा हूँ कि ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ दोनों चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक एक फैक्ट पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो इसलिए आप एक बार कोशिश कीजिए कि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो आप देख लें, आपको इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद ही जो है मैं श्रीराम IAS की बनाऊंगा इकोनॉमिक्स की, ताकि उसके बाद इकोनॉमिक्स आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, कहीं से आप इकोनॉमिक्स में पढ़िए, जैसा मैं आपको श्रीराम IAS पढ़ा दूंगा उससे बाहर आपको क्वेश्चन जो है अगर उसी को घुमा फिरा के, ठीक है। देखिए, अगर 10 इकोनॉमी के क्वेश्चन आते तो 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बेसिक पता हो तो कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा, देखिए 2019 के प्रीलिम में कहां कहां से चीजें आई है, ठीक है, डायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली भी नहीं करना है उसमें, एक दो तो मैंने ही वीडियो बनाई थी उसमें से ही डायरेक्ट आया है जो मैंने इकोनॉमिक्स का पार्ट वन बनाया हुआ है। तो ये आपका डिपेंड करेगा आप जो है क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, आज के दो क्वेश्चन जो आपको लिखने हैं, देखिए पेपर टू से पहला क्वेश्चन है, ये लिखते हैं गवर्नमेंट हैज हाइक्ड इथेनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल, अलाउड कन्वर्जन ऑफ ओल्ड सुगर इंटू इथेनॉल, ठीक है, हाउ इज मूव एक्सपेक्टेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सुगर केन ग्रोअर इन द कंट्री, डिस्कस करना है। यानी कि गवर्नमेंट ने अभी क्या किया कि देखिए गवर्नमेंट हैज हाइक द इथेनॉल प्रोक्योरमेंट, इथेनॉल के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया गया ताकि ब्लेंडिंग पेट्रोल की ब्लेंडिंग हो सके, ठीक है। और इसमें बोल रहे हैं कि अलाउड कन्वर्जन ऑफ ओल्ड सुगर इंटू, और जो पुरानी जो एक तरह से शुगर केन होता है उसको भी, जो उसकी लकड़ी होती है या फिर जो भी उसका शुगर होती है उसको इथेनॉल में जो है चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए प्राइस जो बढ़ाए हैं उसके बारे में आपको बताना है कि ये जैसे शुगर केन ग्रोवर्स हैं, ठीक है, तो इनको कैसे ये प्रॉब्लम जो है बेनिफिट देगी या नहीं देगी, या और कौन से चैलेंजेज हैं जो शुगर केन ग्रोवर के लिए बेनिफिट होंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो करते हैं वो बेनिफिट होंगे, कैसे एनवायरमेंट को इससे बेनिफिट होगा, तो सारी चीज़ें आप करके बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए पेपर थ्री से, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू पेपर थ्री से, यह है डिस्टिंग्विश बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, ठीक है, इसमें आपको एग्जांपल देने हैं। ये कहते हैं, इन योर ओपिनियन डू यू थिंक इट इज एवर पॉसिबल फॉर इंडियन जुडिशियरी टू पार्टेक मोर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, तो ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये काफी बार जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर में तो आता ही रहता है, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आता ही रहता है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, आपके GS के पेपर में भी पूरी संभावना है कि आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन मैंने पूछा था, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की जरूरत है नहीं, पुलिस रिफॉर्म के अंदर आपको भी पता है पुलिस की जो प्रॉब्लम है आप भी देखते हैं। क्वेश्चन मैंने यही पूछा था, कमेंट ऑन द अर्जेंसी टू हैव नेसेसरी पुलिस रिफॉर्म, क्या अर्जेंसी है पुलिस रिफॉर्म करने की। देखिए ये बोलते हैं पुलिस रिफॉर्म क्या है, एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है पुलिस फोर्स जो है स्टेट की, और स्टेट जो है पुलिस जो है ये किसके आती अंडर आती है, स्टेट लिस्ट में ही ये आती है, और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को रोकना, ठीक है, जो भी सोसाइटी के अंदर हो रहा है। अब रीजन क्या है पुलिस रिफॉर्म का, देखिए सोशल एटीट्यूड, ये कहते हैं पुलिस फोर्स एग्जिबिट फ्राइटनिंग प्रेजुडिसेस अगेंस्ट विमेन लोअर कास्ट एंड माइनॉरिटी, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, विमेन है, माइनॉरिटीज है, उनको कहीं ना कहीं डर रहता है, या फिर ऐसा माना जाता है कि इनके खिलाफ प्रेजुडिस, यानी कि एक तरह से बाइसनेस देखने को मिलती है, प्रेजुडिस, ठीक है, और
सेकंड है ओवरबर्डन, ठीक है, ये तो हो गया एक तो 22नेस, दूसरा हो गया ओवरबर्डन। देखिए हमारे यहाँ पे 1 लाख लोग पे सिर्फ 137 पुलिस वाले हैं, जो कि उसकी संख्या का काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ओवरबर्डन है यहाँ की पुलिस के पास, इतने केसेज हैं, इलेक्शन ये वो, ठीक है, बहुत से काम है, मतलब कोई भी काम हो, इवन देखिए घर पे कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, घर पे किसी को एक सांप मिल गया तो भी पुलिस को फोन करते हैं वो, तो हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए पुलिस को बुला लिया जाता है। तो ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, देखिए वेपन्स की बात करें, व्हीकल्स की बात करें, ठीक है, और भी बहुत चीज़ें, बहुत पुरानी हो गए इनके वेपन्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है। आप पुलिस स्टेशन जाके देखिए, आपको लगेगा नहीं पुलिस स्टेशन है ये, बिल्कुल आपको लगेगा किसी जो पुरानी कोई खंडर जमीन है, उसको जो खंडर जगह है उस पर ही जो है पुलिस के जो स्ट्रक्चर है कोई पुराना उसी में रख दिया गया है। मैं बहुत से 4-5 पुलिस स्टेशन जाके देखा है, जो मेरे दोस्त वगैरह आईपीएस वगैरह बने हैं, तो वहां भी जाके मैं देखता हूं तो मुझे हालात जो है ठीक नजर नहीं आते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो ठीक नहीं है। क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पुलिस पर्सनल की, वो भी बहुत आउटडेटेड हो गई, आज भी जो है पुराने तरीके से ही ट्रेनिंग कराई जाती है। नई जो सोशल मीडिया के थ्रेट्स आ रहे हैं, डिजिटल यानी कि डिजिटल क्राइम जो है बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह की ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें, ये सब अभी बहुत आउटडेटेड हो गया है, पुरानी चीज़ों को ही आज भी यूज़ कर रहे हैं, जो परेड कराना, सिंपल एक्सरसाइज कराना, वो सब चीज़ें। तो ट्रेनिंग का जो है मेथड वो भी चेंज करना पड़ेगा। रिस्क टू लाइफ, देखिए पुलिस वाले के रिस्क भी बहुत रहते हैं, अभी आपने देखा दिल्ली का केस देखा, ठीक है, लॉयर्स और पुलिस के बीच में जो भी हुआ, तो उसमें रिस्क रहता है, पुलिस वालों ने एक ही हुआ कि हमारे जो सिक्योरिटी कौन करेगा, हम दुनिया की सिक्योरिटी करें, तो उनकी लाइफ का रिस्क है, उसको भी जो है कैसे उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उनको इस तरह का वेपन्स देना या फिर इस तरह के प्रोटेक्शन देना ताकि वो इस तरह की चीजों से बच सके। पॉलिटिसाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत घुस गई है। एक तो होता है कि देखिए दो चीज होती है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और एक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स घुस गई है पुलिस के अंदर। आपको पता है पुलिस फोर्स जो है एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, लेकिन इसमें भी पॉलिटिशियन जो है कितना ज़्यादा ओवर प्रेशर करते हैं, कोई भी केस को जो है दबाना हो या फिर किस तरह की चीज़ें, आपको सारी पता है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। इस वजह से ऑटोनमी जो है कहीं ना कहीं खत्म होती है पुलिस की। वैकेंसी बहुत ज़्यादा, वैकेंसी जैसे बताया ओवर बर्डन क्यों है, क्योंकि वैकेंसी ये बहुत ज़्यादा है, ये भी एक इशू है। इनफेक्टिवनेस अगेंस्ट न्यू फॉर्म ऑफ क्राइम्स, मैंने बताया नए नए तरीके के जो क्राइम आ रहे हैं उनको जो है डील करने के लायक नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। अंडर यूटिलाइजेशन है, फंड को पूरा यूटिलाइज नहीं किया जाता, मॉडर्नाइज नहीं किया जा रहा है, करप्शन तो है ही, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये सब रीजन है कि जो है अर्जेंट नीड है पुलिस को, पुलिस रिफॉर्म करने की। उसके अलावा मैंने बताया था प्रकाश सिंह जो केस है उसकी भी रिकमेंडेशन आप लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ इशू बताया, आपको उसमें सॉल्यूशंस भी बताने, क्या क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इज इंपेरेटिव टू कोप विद क्लाइमेट क्राइसिस, यानी कि क्लाइमेट का जो क्राइसिस है उससे कोप विद यानी कि डील करने के लिए हमें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि इकोनॉमी को अलग अलग जो है डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग इकोनॉमी अवे फ्रॉम सिंगल इनकम सोर्स। देखिए अभी क्या एग्रीकल्चर पे जैसे डिपेंडेंट है, अभी एग्रीकल्चर को भी डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, जैसे फार्मर है सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना रहे, एनिमल हस्बेंड्री का भी क्वेश्चन उनके पास एक तरह से सोर्स हो, फिशरीज वगैरह में वो जा सके, ठीक है, इस तरह की चीजें भी उनके पास सोर्स होने चाहिए। तो मैंने बताया ये क्वेश्चन है कि हमारी इकोनॉमी को हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि हम तेल एक कंट्री से खरीद, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो हो सकता है उस कंट्री को कभी ऐसा इशू आ जाए कि हमें तेल फिर और जगह से खरीदने में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए बोलते हैं जैसे हमारी ऑयल एनर्जी मार्केट है उसको भी हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो इसी तरह डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है कि हम एक ही इकोनॉमी की तरफ ना बढ़े, एक ही सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, अलग अलग तरीके से सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। यह कहते हैं क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन तो हमें लाना ही पड़ेगा, इट टेक्स ऑन न्यू रेलिवेंसीज एज स्ट्रेटेजी टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम, तो जो ऐसी चीजें हैं जिन पे क्लाइमेट चेंज का ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उसका मार्केट के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, तो उसको हमें अलग अलग जो है सोर्स में ले जाना पड़ेगा ताकि हम जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है इस तरह का पूरा रिसोर्स क्रिएट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके या फिर अलग अलग सोर्सेज क्रिएट कर सके। इंपैक्ट क्या होगा, देखिए अगर क्या इंपैक्ट होगा, ये कह रहे कि देखिए हो सकता है क्लाइमेट क्राइसिस से कहीं
डिजास्टर आए, कोई नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा खत्म हो सकता है, रेस टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस। अब क्या होगा, क्लाइमेट क्राइसिस से जो है ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही, तो उसे भी हमें देखना है। कैसे हम एनर्जी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करें, अभी हम कोल पे डिपेंडेंट है ज्यादा, तो कैसे हम सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट ज्यादा करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम ज्यादा डिपेंडेंट करें, तो ये सब चीजें भी जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वो चीपर भी है, और साथ में जो है वो रिलायबल भी है बहुत कुछ, ठीक है, उससे एनवायरमेंट को भी लॉस नहीं होता, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिट है। अब क्वेश्चन क्या था, व्हाई शुड द इकोनॉमी टू बी डाइवर्सिफाइड, क्यों करनी चाहिए। देखिए आज कोई भी सेक्टर है, चाहे टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, फिशरी है, फॉरेस्ट्री है, एनर्जी प्रोडक्शन है, ये सभी सेंसिटिव एक तरह से सेक्टर्स हैं जहां पे क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा असर हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमें जरूरी, कोई भी सेक्टर ऐसा बचता नहीं है आज के टाइम में जिसके ऊपर क्लाइमेट का असर ना पड़ रहा हो, तो हमें इसलिए हम एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें अलग अलग जो है रिसोर्सेज या फिर सेक्टर्स को ओपन रखना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। अब डाइवर्सिफिकेशन और क्यों करना पड़ेगा, उसका रीजन देखिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, एम्प्लॉयमेंट को जो है बढ़ाना है, तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। तो मैंने बेसिक चीजें आपको बताई है, और चीजें भी आप एड ऑन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये किसी ने जो है क्वेश्चन लिख के भेजा, प्रकाश ने शायद क्वेश्चन लिखा है, आज इन्होंने देखिए अपना लिखने में थोड़ा सा चेंज किया, पहले इनका जो पीछे का पेज होता था बहुत डार्क होता था, तो समझ में चीजें कम आती थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, अर्जेंसी टू हैव नेसेसरी पुलिस रिफॉर्म, आप देखिए कितना अच्छा है, ये काफी अच्छा लिखते हैं वैसे आंसर, ये लिखते हैं, पुलिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टेबल एंड एक्सप्लॉइटेड इंस्टीट्यूशन इंडिया, बहुत अच्छी बात है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री, देर आर वेरियस फ्लोज एंड डिसिप्लिनरी या क्या लिखा डिस्क्रिपेंसीज इन द करंट सिस्टम, क्या क्या इश्यूज है ये लिखते हैं पुलिस फंक्शनिंग में, फॉर दैट इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म की इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि बहुत सालों से अवेटेड है इंडिया के अंदर। अब अर्जेंसी क्या है, देखिए अर्जेंसी क्या है, वैकेंसीज है, जो हमने कहा ओवरबर्डन है, एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन है, हरासमेंट होता है, ठीक है, लैक ऑफ एक्सपर्ट नहीं है, पुअर फैसिलिटीज, ठीक है, क्वार्टर्स, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब नहीं मिलता, लो एनुअलमेंट यानी कि सैलरी बहुत कम है, एक्सेसिव प्रेशर है, 12 से 14 घंटा नहीं, कभी कभी तो 5-5 दिन और रात काम करना पड़ता है, नो फिक। देखिए हम पुलिस को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप कभी पुलिस सिस्टम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा प्रेशर है इनके पास, पॉलिटिशियन का प्रेशर, सीनियर्स का प्रेशर, जनता का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, जो हराश हो रहा है उसका प्रेशर, एनजीओ का प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, ठीक है, इनकी मल्टीपल प्रेशर एक सिंगल इंसान पे। एक पुलिस वाला भी पास से जा रहा होगा ना, तो हमें लगेगा कि अभी देखिए हम सिक्योर हैं, आसपास कुछ दिक्कतें नहीं हो रही होगी, ठीक है, तो पुलिस के ठीक है कुछ कमियां भी हैं, वो सब चीजें हैं, लेकिन पुलिस को आप कभी आप दिल से सोचेंगे ना, तो पुलिस जो है इतना अच्छा काम कर रही है, इतनी कम जो है रिसोर्सेज होते हुए भी, ठीक है। वाई पुलिस इज नीडेड, क्यों जरूरत है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करे, क्राइम रेट को जो है बढ़ने से रोके, इंटरनल सिक्योरिटी को करे, ये इसलिए जरूरत है। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बोला, देखिए पहले आप अर्जेंसी बताइए, फिर रिफॉर्म बताइए, वैकेंसी को भरिए आप, ठीक है, फैसिलिटी ऑफ स्टाफ्स को जो है फैसिलिटीज दीजिए, छोटी छोटी चीजें, जो एक एक पुलिसमैन को अगर घर से आने में 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे जाने में लगेगा, तो उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको अगर आसपास में ही फैसिलिटी दी जाएगी तो अच्छा रहेगा। हाइक इन रेमुनरेशन, उसके जो है पे वगैरह बढ़ानी चाहिए ताकि वो कम करप्शन पे ध्यान दे। अपग्रेड आर्म्स एंड एम्युनिशन, मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए आप कल को आईएएस बन जाते हैं, ठीक है, बनना ही आपको, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, 70-75,000, तो आपको लगता है कि आईएएस को 70-75,000 में उसका खर्चा चल सकता है, नहीं चल सकता, क्योंकि उसको 24 आवर की तरह एक तरह से काम करना पड़ता है, उसको इतने मल्टीपल जो है चीजें, उसको हो सकता है कल को ट्रेनिंग के लिए जाना पड़े, ठीक है, बहुत सी चीजें होती है इनकी, मल्टीपल लोगों से उसको मिलना है, बहुत सी उसको चीजें अटेंड करनी है, यानी कि एक आईएएस ऑफिसर समझ लीजिए जो उसके पास 50 डिपार्टमेंट का काम है, 50 डिपार्टमेंट आप समझ के देखिए, एक डिपार्टमेंट में एक एक काम करना कितना टफ होता है, 50 डिपार्टमेंट के 500 काम जो है, 500 काम मिनिमम, ठीक है, इतना हैंडल करना, तो क्या 70-75,000 उसके लिए जो है इनफ है, नहीं है। तो फिर इंसान क्या करता है, जब उसकी जरूरतें जब इतनी ज्यादा हो जाती है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, फिर प्रेशर आता है, ठीक है, और ये चीजें हम डिपार्टमेंट में ये सब चीजें देख रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि इतना इंसान जो 5-7 साल वो तैयारी करके, ठीक है, कोई 1-2 साल में भी तैयारी करके निकल रहा है, लेकिन उसने इतना बड़ा ड्रीम अचीव किया, वो इतने लोगों की हेल्प कर रहा है, तो क्या वो 70-75,000 ही डिजर्व करते हैं, क्या उसकी कोई खुशियाँ नहीं है, पैसा ही खुशियाँ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सोशल सर्विस एक
जो आईएएस ऑफिसर है वो सोशल सर्विस के लिए नहीं आता, ठीक है, उसको काम करना होता है, एक प्रोफेशनल जॉब है ये, प्रोफेशनल तरीके से उसको करना होता है, तो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। उसी के साथ एक इंसान जो है अगर कैट करके, ठीक है, और वो अच्छा पैकेज में जाता है, तो वो 1 महीने के 1 करोड़ रुपये भी कमा रहा है, 1 75,000 रुपये, 1 करोड़ रुपये, तो आप समझिए इसका डिफरेंस, ठीक है। तो ये कारण है कि सैलरी गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। करीबन जो है आईएएस की सैलरी में ज़्यादा नहीं कहता, तो 2-3 लाख रुपये तो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है उसकी नीड्स पूरी हो जाए, तो वो गलत प्रैक्टिसेज में ना रहे। अपग्रेड थाना, थानाज जो है उनको भी अपग्रेड करने की जरूरत है, टेलीफोन फैसिलिटीज प्रॉपर हो। जैसे आप यूएस में जाएंगे तो 911 की फैसिलिटी है, ठीक है, आप दबा दीजिए, कोई भी आपका फोन भी चला गया ना, तो वो जब तक कंफर्म नहीं हो जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फोन करते रहेंगे। हमारे यहाँ पे पुलिस में आप फोन कर लीजिए, आप उनको बता दीजिए प्रॉब्लम, वो खुद ही फोन रख देते हैं बहुत बार, ऐसा चीज होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन, जो प्रकाश सिंह का केस हुआ था 2006 में, ठीक है, 6 रिकमेंडेशन थी, तो एक रिकमेंडेशन आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल सही इन्होंने लिखी है। वे फॉरवर्ड क्या लिखते हैं, विद अ चेंजिंग सिनेरियो ऑफ क्राइम्स लाइक साइबर क्राइम आ गया, पुलिस नीड्स टू बी अपडेटेड एंड अपग्रेडेड, दो वेरियस स्टेप्स हैज बिन टेकन, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे फिक्स वीकली डे ऑफ होना चाहिए, 1 डे ऑफ होना चाहिए, मोर स्टेप्स, और भी स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। तो ये सब काफी अच्छा इन्होंने आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी ने लिखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डू नॉट गारंटी इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छी बात है, इस पर एक आर्टिकल भी आया था द हिंदू के अंदर, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ही जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इंडिया ने तो जो आपकी जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के जो 10 आसियान कंट्रीज है उसके साथ जो है मोस्टली के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद भी हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो क्वेश्चन ऐसे ही डील करता है। ये लिखते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज टैरिफ फ्री एक्सेस टू मार्केट ऑफ वन कंट्री टू अनदर म्यूचुअली, बिल्कुल ठीक है। इट इज बिलीव दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल एबल टू बूस्ट द एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज जीरो टैरिफ विल हेल्प टू लोअर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विच इज इम्पोर्टेड एट ए पॉइंट टू द डोमेस्टिक प्राइस, ठीक है, एट वन पार्टी। इनकी क्या इनकी लिखना ये चाह रहे हैं कि देखिए जीरो टैरिफ से ऐसा माना जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टैरिफ कम होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो इससे जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। लेकिन ये कहते हैं एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, डिमांड इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इन्वेस्टर्स आते हैं और इंक्रीज इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। ये कहते हैं बट इट इज ओफन सीन दैट डिस्पाइट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट या नॉट इंक्रीज बिकॉज, अब क्या रीजन है, ये कहते हैं एक्सपोर्ट इज नॉट जस्ट डिपेंड अपॉन इम्पोर्ट टैक्स बट ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन टैक्स बैरियर। अब देखिए ये बहुत अच्छी चीज उस आर्टिकल में बताई थी उन्होंने, इन्होंने वहीं से उठाया है कि देखिए ऐसा नहीं कि टैक्स पे ही, नॉन टैरिफ बैरियर भी, नॉन टैक्स बैरिफ जो बैरियर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे वी दैट इज इंडिया हैव FTA विद जापान आसियान कंट्रीज बट स्टिल इज इट्स एक्सपोर्ट इज नॉट इंक्रीज, एंड क्यों, क्योंकि हमारा अब भी और ट्रेड डेफिसिट भी है, क्योंकि ट्रेड जो नॉन टैक्स बैरियर से वो ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री डिपेंड अपॉन ईज ऑन डूइंग बिजनेस पे डिपेंड करती है, चीपनेस कितनी है, रॉ मटेरियल कितना मिल रहा है, लेबर कितनी स्किल्ड मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, ये सब फैसिलिटी होती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से कोई फायदा ऐसा नहीं हो सकता हर बार। गवर्नमेंट किस चीज़ पर फोकस करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस करना चाहिए, रोड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर लेबर लॉज होना चाहिए, जैसे अभी कोशिश कर रही है, आज भी जो है न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है, ठीक है। तो ये सब जो है अट्रैक्ट करेंगे, यहां अटैक कर दिया आपने, ठीक है, अट्रैक्ट होता टी आता है, ये अटैक कर दिया। तो उसके बाद कहते हैं टू बूस्ट एक्सपोर्ट नीड टू लोअर डाउन नॉन टैरिफ बैरियर को हमें करना होगा म्यूचुअली, FTA विल ओनली बी फ्रूटफुल इफ बोथ इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैक्स या नॉन टैरिफ बैरियर जो भी होते हैं विल बी टेकन इन टू अकाउंट अलॉन्ग विद अ प्रॉपर इंफ्रा। तो ये पूरा आर्टिकल एक आया था द हिंदू में, आप वो पढ़ लीजिए, इससे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। तो हो सकता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे भी ये क्वेश्चन आ जाए मेन्स में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।